चैनल कुंजा ऑफिशियल अवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ, जी हाँ, खाना बनाने वाली। जी हाँ, मामूली सी जो घर में खाना बनाती है लेडीज, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है क्या? और बोला क्या जाता है घर में, करती क्या हो तुम, तो सिर्फ खाना बनाती हो। और आपको पता है, खाना बना के भी आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुकाम पा लिए हैं, जिसमें से एक नाम आता है रक्षा की रसोई का। जी हाँ, रक्षा जी को मैं नहीं जानती थी, सच्ची बोलूँ मैं 1 ईयर से हूँ यूट्यूब पे, मैं नहीं जानती थी। लेकिन जो स्टॉक्स मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही इंस्पायरिंग। और वहाँ पे मैंने बहुत ऐसे यूट्यूबर को देखी जिससे मैं मोटिवेशन मिला है, और रक्षा की, जिसमें से एक है रक्षा की रसोई। जी हाँ, रक्षा दी जो कि अपनी स्टोरी जब वो शेयर कर रही थी, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं उनकी स्टोरी से रिलेट कर पा रही हूँ। जी हाँ, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद उनके साथ बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। और जब उनकी मम्मी उनको 8000 का मोबाइल जियो का दी थी और उससे वो चैनल स्टार्ट की थी, वो मुझे बहुत ही टचिंग लगा। और उसके बाद उनके हस्बैंड के साथ तो उनका नहीं बनता है, तो वो अपने मायके में रहती है, मायके में रह के अच्छे से, और आज के डेट में वो 1.5-2 लाख रुपया कमाती है यूट्यूब से। और अगर प्ले बटन की बात करूँ तो उनके वीडियो में जाके आप देख लेना कि कितना उनको प्ले बटन मिला है। और सब्सक्राइबर की बात करूँ तो मिलियन में है। और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जब वो वीडियो बनाती है, अभी तो टेक्स ब्लॉग पे वो टेक का वीडियो ज़्यादा लाती हैं, तो उन पे भी मैं देखती हूँ जब वो बोलते वीडियो बनाते रहती हैं, तो उनकी बेटी जो डिस्टर्ब करती है बीच बीच में, तो देखते रहती हूँ। और बहुत अच्छे से वो समझाती भी हैं। और अगर आपको किसी से सीखना हो, हाँ, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही कॉपी करते हैं, अरे वो ऐसा ट्रेंड कर रहा है तो मैं भी करती हूँ, लेकिन रक्षा दी से मैंने एक चीज़ सीखा है कि आप किसी का कॉपी मत करो, आपके अंदर जो टैलेंट है वो खुल के दिखाओ और वो चीज़ लोगों के सामने लाओ। आपके घर में कैसे खाने बनते हैं? जी हाँ, मेरे यहाँ जो आलू के पराठे बिल्कुल अलग बनते हैं, बहुत सारे लोग तेल में फ्राई करके मसाला वसाला डाल के, मेरे यहाँ तेल में फ्राई नहीं होता है, मेरे यहाँ कच्चा मसाले पर ही आलू के पराठे बनते हैं। तो रक्षा दी से मैं ये चीज़ सीखी, जो आपके अंदर है, जो आपके घर में रियली में हो रहा है, वो चीज़ आप परोसने की कोशिश करो, कॉपी पेस्ट मत किया करो। तो ये मुझे उनसे बहुत ही अच्छा लगा। और उनका जो जोश माटी मैं सुनी, तो क्या कहूँ, मैं तो एकदम इमोशनल हो गई थी। तो और आजकल बहुत अच्छा उनका मुझे वीडियो लगता है, मैं सारा वीडियो देखते रहती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनको अगर शब्दों में पिरोऊं तो बहुत ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड है यूट्यूब की। सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूला। अगर पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए।